अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 न्यूज। हमारे आज के टॉप 10 के स्पॉन्सर है स्टार अकेडमी, स्टार काउंसलिंग गाइडेंस एंड एडमिशन सेंटर एट वीपी नागा वाड़ा रोड भिवंडी, और नवाब ढाबा, क्वालिटी फूड विद बेस्ट सर्विस एट भिनार नासिक रोड भिवंडी। लस्सी फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ न्यू टेस्ट, नाउ एट ओशन गार्डन खंडूपाड़ा भिवंडी। भिवंडी महानगर पालिका ने जारी की दीपावली की गाइडलाइंस। नहीं खुलेंगे मंदिर, रास्तों और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग रखने का आग्रह, और पटाखों पर लगाया पूरी तरह से बैन। सिर्फ शाम 8 बजे से 10 बजे तक फुलझड़ी और अनार जलाने की है इजाजत। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि जिस तरह हर त्यौहार कोरोना में सादगी से मनाया गया है, इस दीपावली को भी सादगी से ही मनाएं। भिवंडी शहर को स्वच्छ बनाने के लिए मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आचार्य ने लॉन्च किया 2021 स्वच्छ भिवंडी कॉम्पिटिशन, जिसमें पार्ट ले सकते हैं स्कूल, कॉलेजेस, हाउसिंग सोसाइटी, मोहल्ला और एनजीओज। पार्टिसिपेशन के लिए स्वच्छता के फोटो भिवंडी मनपा के मेल आईडी पर मेल करिए। भिवंडी ग्रामीण के रानल गांव में गजानन वाफेकर कंपाउंड में लगी भीषण आग। आग झोपड़ी में रखे दिए से लगी और देखते ही देखते चार झोपड़ियों में आग पकड़ ली। कई घंटों की मेहनत के बाद अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाया। हादसे में एक 80 साल की महिला की मौत हो गई और 3 महिलाएं जलकर घायल हो गई। मुमरा रेलवे स्टेशन पर एक 6 साल के बच्चे ने चलती ट्रेन से लगाई छलांग। ट्रेन की गति स्लो थी और वहीं खड़े महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के तैनात जवान ने लपक कर बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा पहले ट्रेन में चढ़ गया था और माँ के चढ़ने से पहले ट्रेन स्टार्ट हो गई। बच्चे ने माँ को नीचे देखकर चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। भिवंडी दापोड़ा के हरियर कंपाउंड में पावर टूल्स एंड मशीनरीज के गोडाउन से चोरी हुआ 14,47,000 रुपए का माल। गोदाम में काम करने वाला नौकर चोरी का मुख्य आरोपी यूसुफ पाखरी ने गोदाम की डुप्लीकेट चाबी बनाकर अपने 4 सहयोगी के साथ गोदाम में 27 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच चोरी की थी। नरपली पुलिस ने सूत्रों की मदद से यूसुफ को उसके गांव एमपी बैतूल जिला से दबोचा और साथ ही उसके साथियों समेत चोरी का माल भी बरामद किया। राष्ट्रीय नगरी आरोग्य अभियान के तहत भिवंडी मनपा कार्य क्षेत्र में सैंक्शन हुए हॉस्पिटल का 9 नवंबर को होना था भूमि पूजन, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार भिवंडी ईस्ट के एमएलए और डिप्टी मेयर का नाम न होने पर मचा बवाल। मनपा आयुक्त द्वारा प्रोग्राम कैंसिल करने के बाद भी बीजेपी के खासदार आमदार ने किया वह हॉस्पिटल का भूमि पूजन। दिवाली के अवसर पर दुकानों में लगी भीड़ का फायदा उठाते हुए 3 लड़कियों ने उल्लासनगर के गजानन मार्केट की एक दुकान से एक महिला का मोबाइल चुराया। महिला को फौरन शक हुआ। तलाशी लेने पर मोबाइल के साथ दुकान से चुराई हुई कई सामान भी निकले। तीनों लड़कियों को पुलिस के हवाले किया गया। उल्लासनगर पुलिस कर रही है आगे की कार्रवाई। कोरोना महामारी के खौफ में भी बिहार इलेक्शन में पिछले 20 सालों में हुए सबसे ज्यादा वोटिंग। 57.05 की वोटिंग परसेंटेज के साथ खत्म हुए बिहार इलेक्शंस। 10 नवंबर को आएंगे रिजल्ट्स। एग्जिट पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव हो गए अगले सीएम। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की बेल याचिका को खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा है कि अलीबाग सेशन को 4 दिनों में डिसाइड करे कि इस मामले में बेल देना है या नहीं। हफ्ते के पहले दिन स्टॉक मार्केट ने मारी उछाल। सेंसेक्स 704 अंकों की बढ़त के साथ 42,597 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 157 अंकों की बढ़त के साथ 12,461 पर हुआ बंद। गोल्ड 49,840 पे ट्रेड करते हुए और क्रूड ऑयल 3,001 पे ट्रेड करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी टॉप 10 न्यूज़। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई टॉप 10 के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू।